अभी हम वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शेर महजादा, खुश आमदीद टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा आज का व्लॉग, मैं अपने गांव में निकला हूँ आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कि किस तरह से हम जानवर के लिए चारा वगैरह इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी कटाई वगैरह करते हैं। और इस व्लॉग में हम मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमारे यहाँ सुबह सवेरे जानवरों को चारे से पहले रोटियों के टुकड़े वगैरह रात को जो भिगो के रखते हैं, तो सुबह जो है वो जानवरों को ये डालते हैं। लाइक जिस तरह हम खाने से पहले लस्सी वगैरह या कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं, सो सेम ऐसे ही है। और आज तक और जहाँ पे आज मैं आया हुआ हूँ, ये प्योर देसी माहौल है। और हम यहाँ पर जो है वो कैमल के ज़रिए अपना चारा वगैरह ले कर आते हैं। ऊँट को ले जाने से पहले हम इसके ऊपर इसकी सीट रखेंगे, जिसको हम पंजाबी में कचावा कहते हैं या कुछ लोग कचावी भी कहते हैं। तो मैं भी ट्राई करता हूँ। पिछले पिछले बैग तरफ हो, देखने से ज़्यादा हाथ से काम करने में बंदा ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो साथ रहिएगा। तो गाड़ी तैयार है, चलते हैं। डर नहीं रहा हमें, ऐसी बात नहीं है। व्यूअर्स, अभी हम चारा की कटाई के लिए जा रहे हैं और इस पे चारा लाद के लेके आएंगे साथ। व्यूअर्स, कैमल के साथ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और पहले पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन बहुत ही शरीफ जानवर है, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा और इतना प्यार से इत्मीनान से जा रहा है जैसा कि मैं इसका मालिक हूँ। मोहब्बत इसे कहते हैं ना। और मेरा ऊँट दोस्त हो गया मेरा। व्यूअर्स, राइडिंग करने वाले हैं, देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस। बाय द वे, मैं किले से पैर रखा। हाँ, किले से पैर रखे जाओ। पिछू बना ही अगर अरे वल्ला अभी हम खेतों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम चारा काटेंगे, इसके ऊपर लेके फिर वापस आएंगे। ये सामने से दरख्त के कांटे वगैरह भी हैं। कोई नहीं, कोई कोई खैर है, खैर है, खैर उत्पीड़ी तो अच्छा है यार, कमाल का सीन है और मज़ा आ गया। अभी चारा लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं हम। देन चारे की कटाई के बाद हम जो है ना वो जानवरों को डालेंगे उसका सैलेज बनाकर, एंड उसके बाद फिर हम मिल्किंग करेंगे। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग, मैं तो बहुत चिल कर रहा हूँ, आई होप आप भी चिल कर रहे होंगे मेरे साथ। इंजॉय करें, बहुत प्यारे सीन है ये। व्यूअर्स, ये आप देख रहे होंगे ये तिल की फसल है, आई थिंक उसको इंग्लिश में सीजमम कहते हैं, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो लेकिन है कुछ ऐसा ही। और ये साथ रही दाल मूंग जो हम खाते हैं, मूंगी की फसल हम कहते हैं, तो ये दाल मूंग की फसल है, अभी कच्ची है। और यहाँ पे फसलों के दरमियान छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं जहाँ पे ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं होती, बिकॉज़ यहाँ पे कैमल्स ने या लोगों ने आना जाना होता है, गाड़ियां तो यहाँ पे आती नहीं है, सो छोटी छोटी पगडंडियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने। मैं अपने गांव में ज़्यादा देर नहीं रहा इसीलिए इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन अब वापस आया हूँ तो एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। और अफसोस कि मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़े रखा और शहर की उस शोर वाली ज़िंदगी में ना दिमाग का दही बना दिया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सुकून है। व्यूवर्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने चारा काटना था, तो यहाँ से हम चारा लेंगे और वापस जाएंगे। आप भी कहेंगे कि इतनी देर लगा दी, मेहरबान आते आते।
माशाल्लाह बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया। और कैमल जो था वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव था, और मैं बहुत डरता था पहले इन चीज़ों से, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव जानवर है। हमने उनको यहाँ पे बांध दिया है और ये चर रहे, और भाई जो है वो चारा की कटाई कर रहे हैं, और मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। ग्लासेस पहने हैं, सनलाइट आंखों में डायरेक्टली पड़ रही थी तो इसलिए मैंने ग्लासेस पहने हैं। व्यूअर्स, मैं भी चारा काटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट हैंडेड हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, भाई ने जितने हाफ घंटे में काटे हैं वो मैं तकरीबन एक या दो दिन लगा दूंगा इतने में। फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि इंसान कोई काम नहीं कर सकता, जब भी कोई इंसान ठान लेता है कि मैंने ये करना है तो वो कर जाता है। जैसे मैं चारा काट रहा हूँ, मैं ये सोचता था कि काश ये मैं अपने काम अपने हाथ से करूं। बहुत मुश्किल है। बड़ा मेरा ऊँट चारा खा रहा है, मैंने जो कटाई की है, थक गया था लेकिन अब यहाँ पे सुकून कर रहा हूँ। सो व्यूवर्स, अभी हम चारा लोड करेंगे और फिर वापस घर को जाते हैं, वहाँ पे इसकी कटाई करेंगे चारा की, और फिर देखते हैं। नो प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम नहीं है। इधर लाओ सीन। बैलेंस कर लें इसका। व्यूअर्स, अभी हम वापस जा रहे हैं। सो गाइस, चारा काट लिया हमने, अब हम वापस जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। बहुत थक गया हूँ आज, बहुत थक गया हूँ।